हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, और इसका हमने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया है। इसे हम ढाबे वाले स्टाइल में बनाएंगे। सबसे पहले हम पैन में तेल डाल देंगे, उसके बाद गरम मसाले डाल देंगे इसमें, और तेज़पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा इनको हम चटकने देंगे, उसके बाद प्याज और लहसुन डाल देंगे। इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है अच्छा आ जाता है, कॉमन सा टेस्ट नहीं लगता है। प्याज लहसुन के बाद हम हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, टमाटर अदरक सबको एक साथ डाल के इसमें नमक डाल के थोड़ा सा पका लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक देता है। आप इसे लच्छा पराठा से एंजॉय कर सकते हैं, पराठा से भी एंजॉय कर सकते हैं। बस हमें इतना ही रखना है। अब गैस की फ्लेम हम बंद करते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम मिक्सी जार में डाल के इन्हें पीस लेंगे। तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। इसको भी हम मोटे मोटे क्यूब में कट करेंगे। ये देखिए, पनीर कट के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं, मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। तेज़पत्ते को आप चाहे तो निकाल दें, नहीं तो आप उसके साथ पीस लें। हम इसे निकाल दे रहे हैं। पेस्ट बनके तैयार हो गया है। सेम पैन हम रखेंगे गैस पे, और उसमें हम तेल डाल देंगे। आप चाहे तो बटर ही डाल सकते हैं सिर्फ, लेकिन हम इसमें आधा तेल, उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा बटर डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया, इसमें हम हल्दी पाउडर, हल्दी ज़रा सा ही डालेंगे। इसमें हम लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च और धनिया का पाउडर डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मसालों का पेस्ट हम ऐड कर देंगे इसमें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। पेस्ट डालने के बाद तुरंत हम ढक देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। अभी से हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट मसालों को भूनेंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे, और इसमें हम नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी रोस्ट करके इसमें डालेंगे। रोस्ट करने के बाद जो है पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे हम। ये गरम मसाला हम ऐड कर दिए हैं। कसूरी मेथी को हमने डाल दिया है। इससे बड़ा टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम बटर ऊपर से ऐड कर देंगे। मसाले हमारे पक गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। लास्ट में हमने 2 चम्मच मलाई या क्रीम ऐड किया था, उसको हम नहीं दिखा पाए हैं। थोड़ा मीठा टेस्ट आ जाएगा इससे, और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। और हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और आप भी इस तरह से सब्ज़ी बनाइए। हमें इसे पराठे से खाना है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छी टेम्पटिंग लग रही है। आई होप कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आएगी तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू, आई लव यू फ्रेंड।